viewers, today I am going to tell you how does my Google Ads budget get spent. इसके अंदर हम आपको डेली बजट में कैसे स्पेंड करते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, डे पार्टिंग, जियो टारगेटिंग, डिवाइस टारगेटिंग, गूगल एड प्राइसिंग, कीवर्ड्स, एवरेज सीपीसी, एक्सपेंसिव कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, कीवर्ड गूगल एड कीवर्ड्स, बिंग एड कीवर्ड, कॉस्ट पर क्लिक, बिजनेस स्पेंड ऑन मोस्ट ऑन गूगल एड, स्मॉल बिजनेस स्पेंड ऑन गूगल एड, कॉस्ट इन्वॉल्व इन गूगल एड, दैट इज एजेंसी कॉस्ट, पीपीसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कॉस्ट, वर्ड स्ट्रीम एडवाइजर कॉस्ट एंड की टेक अवे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग गूगल एड कॉस्ट. So, is the Google Ad price right for you? Whole things I will tell you in this program. So, let us start. How does my Google Ad budget get spent? Many businesses believe that Google Ads is a probably expensive. इट्स रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हाउ गूगल एड्स बजटिंग वर्क. बहुत से लोगों का ये है कि गूगल एड बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर बजटिंग आप प्रॉपर करिए तो गूगल एड महंगा नहीं है. स्टार्टिंग योर गूगल एड्स बजट. गूगल एड बजट इज पर्टिकुलर अ सॉलिड अप्रोच टू स्टार्ट विथ इज बजटिंग ऑन पर कैंपेन बेसिस. लेट स्टार्ट विथ डेली बजट. तो अगर आप बजटिंग प्रॉपर वे से करते हैं, पर कंपेन के हिसाब से आपको बजटिंग करनी होती है. कंपेन क्या होता है? आप जो एड लगाते हैं वो कितने पैसे पे आप लगा रहे हैं वो कंपेन है. डेली बजट ईच ऑफ योर गूगल एड कंपेन हैज इट ओन सेटिंग टैब वेयर यू कैन कंट्रोल स्पेसिफिक पैरामीटर ऑफ ईच कंपेन इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर कंपेन इन योर अकाउंट. As such, each of your campaign should have their own daily budget. अब suppose you आपने A campaign लगाया और B campaign लगाया. A campaign आपका ज़्यादा important है और B उतना नहीं है, तो आप अपने campaign में ज़्यादा पैसा A पे लगाइएगा. क्यों? क्योंकि उसको पेज पर कॉस्ट बजट आपको मंथली ज़्यादा ना पड़े और काम ज़्यादा, पेज पर क्लिक ज़्यादा हो, उसके लिए आप A पर ज़्यादा पैसा लगाइएगा. हाउ डेली बजट गेट स्पेंट. अब मान लीजिए आपने डेली बजट में सी पी सी ऑफ 0.025 लगाया एंड दैट यू वुड लाइक रिसीव 300 एड क्लिक्स पर डे, और पर डे आपको 300 क्लिक आप उस पर चाहते. यूजिंग दिस फिगर यू कैन कैलकुलेट द एस्टिमेटेड डेली बजट 0.25 इंटू 300 दैट इक्वल्स टू $75. तो आपको 300 अगर क्लिक मिल जाता है तो वो आपको कॉस्ट करता है $75. इन दिस एग्जाम्पल 0.25 इज द मोस्ट दैट यू विल बी चार्ज इफ यू टू 0.25 इज योर मैक्सिमम सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक. आपकी मैक्सिमम आपने 0.25 अगर सेट कर दिया तो वो उससे ज़्यादा आपको आपका पैसा नहीं लेगा. क्यों? क्योंकि आपने एक बजट फिक्स कर रखा है कि 300 क्लिक हम चाहते हैं और उसकी कॉस्ट मिनिमम मैक्सिमम 0.25 दे सकते हैं. लेकिन ये चार्ज आपका कम हो सकता है अगर टाइम टू टाइम आप अपना कॉस्ट कम कर दीजिए मार्केट को देखकर. व्हाट अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस बाय गूगल एड स्पेंड. अब और कौन से फैक्टर हैं जो गूगल एड को बजट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें आता है डे पार्टिंग. डे पार्टिंग मीन्स कि आप शेड्यूल करते हैं कि किस किस दिन हमारा ऐड आए और किस टाइम पे आए. फिर आता है आपका जियो टारगेटिंग. आप फिक्स करते हैं किस किस कंट्री में आए, किस किस स्टेट में आए, किस किस नेबरहुड में आए, कि आसपास के रेडियस में आए. तो आप जो एरिया फिक्स करते हैं उसके हिसाब से आपका कॉस्ट वेरी करता है. डिवाइस टारगेटिंग. अब आप आजकल का ज़माना मोबाइल का है तो ज़्यादा लोग मोबाइल पर टारगेट करना चाहते हैं और डेस्कटॉप और टैबलेट और टीवी पे कम लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ कम लोग देखते हैं. तो मोबाइल ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मोबाइल पे है, इसलिए लोग ज़्यादातर मोबाइल पे ऐड देना पसंद करते हैं. गूगल एड्स प्राइसिंग. हाउ मच डज अ टिपिकल क्लिक कॉस्ट इन गूगल एड्स.
The key influence on pricing is Google Ad is keyword. अब जैसा कि कल हमने बताया था कि मेन आपका इन्फ्लुएंस जो होता है वो कीवर्ड से होता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और कीवर्ड आपका कॉम्पिटिटिव है तो उसकी बिडिंग हाई होगी, और अगर कम कॉम्पिटिटिव है तो उसकी बिडिंग हाई नहीं होगी। और अगर कॉम्पिटिटिव है और बिडिंग हाई है और आपके पेज पर क्लिक ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। In super competitive market like legal and accounting, clicks can be much precious, pricier than average of $1 to $2. अब in case of legal accounting market में price बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका click through rate बहुत ज़्यादा है। What is the average CPC in Google Ad? अब average CPC क्या है? If you take a average CPC across all different types of business and keyword in the US, the overall average CPC Google Ad is between $1 to $2. That on the search network. On the Google Display Network, click trend to be cheaper, averaging under $1. लेकिन Display Network पर $1 के नीचे है। अगर Search Network पर जाइएगा तो $1 से $2 के बीच में। However, in super competitive market, click can get more precious. Let's take a look at some of the most expensive keyword in Google Ad and Bing to give you an idea of how much a click can cost if you got deep pockets. अब आपको कुछ हम ऐसे वो बताने जा रहे हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि कितनी कॉस्ट लगती है। List below are the expensive keyword category in Google Ads and average cost per click of each. अब देखिए सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस है, फिर लोन है, मॉर्गेज है, अटॉर्नी है, क्रेडिट है, लॉयर है, डोनेट है, डिग्री है, हॉस्टिंग है, क्लेम है, कॉन्फ्रेंस कॉल है, ट्रेडिंग है, सॉफ्टवेयर रिकवरी, ट्रांसफ़र, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, क्लासेस, रिहैब, ट्रीटमेंट एंड फोर व्हीलर। तो इस तरह से देखिए डिफरेंट कॉस्ट फिक्स है कि इस फील्ड के लोगों को इतना पैसा देना पड़ेगा कॉस्ट पर क्लिक। और वॉट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड इन बिंग एड्स, तो उसमें आपका देखिए लॉयर, अटॉर्नी, स्ट्रक्चर, सेटलमेंट, DUI, मेसोथेलियोमा, ट्रीटमेंट, एनुइटी, MBA, फोन, इंश्योरेंस, डिप्लोमा, रिहैब, क्लाउड, अकाउंटिंग, एक्सटर्मिनेचर, मोबाइल, बिजनेस, रिपेयर, प्लम्बर एंड ऑडिटरी। इस तरह से आया है, देखिए इसमें 109 से लेकर के 29 रुपए तक वेरी कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट पर क्लिक फॉर लॉन्ग टेल वर्ड? अब लॉन्ग टेल वर्ड क्या होता है, आप छोटे छोटे वर्ड पे जो होता है वो कॉस्ट ज्यादा होती है। द रियलिटी हाउ इज दैट द कीवर्ड कैटेगरी ओनली मेक अप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल सर्च वॉल्यूम। लॉन्ग टेल कीवर्ड एक्चुअली अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वेब सर्चेस। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर ऑल्सो ऑफन सिग्निफिकेंटली चीपर देन शॉर्टर की रिच क्यूरीज। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि उसको सर्च करने में उसको ज़्यादा समय लगता है, और शॉर्ट की वर्ड्स जो होते हैं तो उसकी क्यूरी ईजिली सर्च हो जाती है। हाउ मच डू टिपिकल बिजनेस स्पेंड ऑन गूगल एड? टिपिकल बिजनेस स्पेंड ऑन गूगल एड्स कंपेन इन द इंश्योरेंस, ऑनलाइन एजुकेशन एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री स्पेंड द मोस्ट पर मंथ ऑन गूगल एड्स, क्योंकि ये सब बिजनेस लगा के बैठे हुए हैं तो ये लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। विथ इंश्योरेंस एट द टॉप बाय वाइड मार्जिन, इंडिविजुअल कंपनीज इन दीज इंडस्ट्रीज ऑफन स्पेंड 40 to 50 million अ ईयर ऑन द गूगल एड्स। अब इंश्योरेंस कंपनी देखिए 40 से 50 million पर ईयर खर्च करती है, लेकिन स्मॉल बिजनेस जो होता है वो पर मंथ $1,000 तक ही खर्चा कर सकता है। Whereas others such as PPC management agencies spend an upward of 30,000 per month, लेकिन पेज पर क्लिक मैनेजमेंट एजेंसीज जो होती है वो 30,000 तक एक्सपेंड करती है। What other costs are involved in Google Ad agency cost? अब एजेंसीज कुछ होती हैं जो सम स्मॉल बिजनेस opt to have an agency handle their PPC work for them. Agency can also boost many years of experience in PPC account management, making them trustworthy partner who can offer expert advice, guidance. अब कुछ एजेंसी होती हैं जो गाइडेंस करती हैं कि आप कैसे अपने Google Ad बजट को
मैनेज करिए जिससे आपको पेज पर क्लिक ज्यादा मिले। सम एजेंसी में गारंटी द थ्रेशोल्ड आरओआई वेयर एज अदर वोंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सब कुछ एजेंसी तो कहती हैं कि मिल जाएगा, गारंटी लेती, लेकिन कुछ एजेंसी नहीं लेती है। ऑब्वियसली इट्स इन एजेंसी बेस्ट इंटरेस्ट टू डिलीवर रिजल्ट, बट इवन इफ यूर एड्स डोंट रिजल्ट इन एनी कन्वर्जन यू विल स्टिल हैव टू फोन अप एंड पे योर एजेंसी अनलेस इट इज एक्सप्लिसिट स्टेटेड अदरवाइज इन योर कॉन्ट्रैक्ट। और ये एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती हैं, आपका एड काम करे या ना करे, रिजल्ट आए या ना ले, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है तो पैसा ले लेंगी। तो समझ कर ही उन एजेंसी को आप हायर कीजिए। पीपीसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, गूगल एड इज अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, इट्स ऑफर एडवर्टाइजर अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रिसाइज वेरिएबल इन देयर अकाउंट्स एंड कैन बी एक्सट्रीमली पावरफुल इन राइट हैंड। द बिगेस्ट कंप्लेन वी हियर फ्रॉम आवर क्लाइंट इज दैट फॉर ऑल इट्स पावर गूगल एड्स कैन बी इंटिमिडेटिंग एस्पेशली टू न्यू एडवर्टाइजर। ज़्यादातर नए एडवर्टाइजर डरते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है और ये उनको डराने वाला लगता है गूगल एड। दैट्स वाई मैनी बिजनेस ऑप्ट टू यूज द पीपीसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज योर गूगल एड्स अकाउंट। इसलिए बहुत सी एजेंसी जो होती है पेज पर क्लिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करती हैं और जिससे उनका गूगल एड ऑप्टिमाइज हो जाए। सम बिजनेस ओनर ऑप्ट टू मैनेज देयर पीपीसी अकाउंट मैनुअली, और कुछ जो होते हैं वो मैनुअली उसको मैनेज करते हैं। पीपीसी सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड स्ट्रीम एडवर्टाइजर इज टिपिकली लाइसेंस रादर देन परचेज। दिस मीन्स दैट इफ यू वॉन्ट टू यूज अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज एंड ऑटोमेट द लीगल वर्क लेग वर्क इन गूगल एड अकाउंट, यू विल नीड टू फैक्टर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। अब मान लीजिए आप वर्ड स्ट्रीम एडवर्टाइजर को अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 से 12 मंथ तक का एनुअल ऑप्शन देते हैं जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनका ऑफर ले सकते हैं, विच मेक्स बजट फॉर पीपीसी सॉफ्टवेयर ईजी और वो पेज पर क्लिक सॉफ्टवेयर को इजी करते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग एट अनदर प्लेटफॉर्म बी श्योर टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू साइन एनीथिंग। तो लेकिन अगर आप और किसी को लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि उनके क्या टर्म और कंडीशन है, अदरवाइज ये आपको कॉस्टली पड़ेगा। की टेक अवे फॉर अंडरस्टैंडिंग गूगल एड कॉस्ट, इस तरह से मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं गूगल एड के कॉस्ट के, वो ये है बिफोर इवन गेटिंग इन टू कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ गूगल एडवर्टाइजिंग फॉर अ बिजनेस विल डिपेंड ऑन इट इंडस्ट्री कस्टमर लाइफ साइकिल एंड करंट कंज्यूमर ट्रेंड। तो आपका अभी हमने ये कल ही बताया था कि आपका गूगल कॉस्ट जो होता है वो इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्री है, लीगल है या स्मॉल इंडस्ट्री है, कस्टमर की लाइफ साइकिल क्या है, वो कितनी बार आपके वीडियो पे आता है, वो कितनी बार आपके वेबसाइट पे आता है, करंट कंज्यूमर ट्रेंड क्या है, ट्रेंड में आपका वो क्या यूज कर रहा है। गूगल एड इज बेस्ड ऑन ऑक्शन सिस्टम दैट रिवॉर्ड्स हाई क्वालिटी एड्स विद लोअर कॉस्ट, ऑक्शन पे डिपेंड करती है कॉस्ट। अगर आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं तो आपके ऑक्शन बिड ज़्यादा होगी और कॉम्पिटिटर अगर कम है तो आपकी ऑक्शन बिड कम होगी। You can exercise tight control over how your Google Ads budget is spent using tactics like ad scheduling, geo targeting and device targeting. अब इस पर भी डिपेंड करती है कि आपने एड्स को किस किस दिन लगाया, किस टाइम पे लगाया, किस एरिया में लगाया और किस किस डिवाइस पे लगाया। The average cost per click in Google Ad is between $1 to $2 the search network. सर्च नेटवर्क पे गूगल एड की कॉस्ट $1 to $2 है। द एवरेज सीपीसी ऑन डिस्प्ले नेटवर्क इज अंडर, लेकिन डिस्प्ले नेटवर्क पे $1 से कम है। द मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड इन गूगल एड्स एंड बिंग एड कॉस्ट इज $50 और मोर पर क्लिक। दीज आर जनरली हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड इन इंडस्ट्री दैट हैव हाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज लाइक लो लॉ एंड इंश्योरेंस। $50 सबसे ज़्यादा कॉस्ट है जो लॉ और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है क्योंकि उनकी क्लिक पर थ्रू रेट ज़्यादा होती है, पेज पर क्लिक ज़्यादा होता है।
Giant retailers can spend up to 50 million per year on paid search in Google Ads. इसी वजह से ये लोग 50 million per year के हिसाब से Google Ads पे खर्च करते हैं. The average word stream client, small to mid-sized business, spend anywhere from 1,000 to 10,000 per month on other Google paid search campaign. That's 12,000 to 1,20,000 per year. लेकिन और जो ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं वो 12,000 से 1,20,000 तक का डॉलर खर्चा कर सकते हैं. Is the Google ad price right for you? अगर आपके लिए सही है, as I have stated that throughout there are numerous factors that can have a significant impact on the cost of running a PPC campaign, but remember almost any type of business can make Google ads work for them. तो Google ad कोई भी लगा सकता है, depend करता है कि आपका aim क्या है और आप कितना खर्चा करना चाहते हैं और किस purpose के लिए use करना चाहते हैं. अगर आपका बहुत छोटा बिजनेस है, बिना ऐड के भी काम कर सकता है, तो उसको मत यूज कीजिए. और अगर आपका आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप गूगल एड्स को यूज करिए. दिस इज माय एडवाइस. सो थैंक यू व्यूअर्स. इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज रन शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रतन अग्रवाल. विजिट कम्युनिटी टैब, कमेंट एंड आस्क क्वेश्चन इफ एनी. जॉइन माय All social media links given in the description. Join Telegram channel Tech Ratan. Thank you for viewing this video. Thank you viewers. I hope you understand the budget. And if any question, please ask in a comment. Thank you.